अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राउन स्टार न्यूज़ HD और मैं हूं फरा शाहिद। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करेंगे टंडो अलायार से, जहां पे आपको आगाह करते चलें। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रियाज जट के मुताबिक उन्होंने इंसानियत को खुद भाईचारे और इखलाक का दर्स दिया और इनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक अजीम मिसाल है। इसलिए हम सब पर लाजिम है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना पर अमल करें। ख्यालात का इजहार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन टंडो अलायार। आपको बताते चलें, विन टंडो अलायार जो कि अब्दुल हफीज लगारी ने आज जिला टंडो अलायार में 12 रबी अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के मुतालिक कॉन्फ्रेंस हॉल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में मुख्तलिफ मुखातब फिक्र के उलमा इकराम, SSP टंडो अलायार रुखसार अहमद खाड़ो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 टंडो अलायार अख्तर अली शेख, असिस्टेंट कमिश्नर जुडो मरी शहजादो और इसके अलावा उमेर जरवारा और इसके अलावा दीगर जो के तमाम मुतलका महकमों के जिले इफ्तरान ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन विन टंडो अलायार अब्दुल हफीज लगारी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रबीउल अव्वल वो मुबारक और मुकद्दस महीना है जिसमें मोहसिन इंसानियत खातमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत और 12 रबीउल अव्वल का दिन तमाम मुसलमानों के लिए ईद से भी बड़ा दिन है। उन्होंने तमाम महकमों को अलर्ट देने के अहकाम भी जारी किए।